हाय फ्रेंड्स, टेक मोबाइल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सैमसंग A50 का गूगल अकाउंट यानी कि FRP बाईपास विदाउट कंप्यूटर। बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्किप का कोई ऑप्शन नहीं है। और तो चलिए हम यूज़ करेंगे एक पिन लॉक सिम का, जिस मैंने तो पहले से ही सिम में पिन लॉक लगा लिया है। और तो चलिए पिन लॉक सिम को इंसर्ट करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों, जब पूरा वीडियो ज़रूर देखें तो आपको करने में बहुत ईजी हो जाएगा काम। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो सिम को हम इंसर्ट करके चेक कर लेते हैं। देखिए पिन लॉक है हमारा सिम। तो चलिए पिन सिम को निकाल के हम फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। तो अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट करके सिम को इंसर्ट कर लेना है। यहाँ पे टाइमिंग का ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों। नेक्स्ट करके साथ साथ आपको सिम को इंसर्ट कर लेना है और यहाँ पे 4-5 सेकंड रुक के आपको सिम को निकालना है। तो देखिए हमने निकाल लिया है सिम को, देखिए आता है कि नहीं। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन बार आ चुका है। यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे सेटिंग्स पे टच कर लेते हैं और यहाँ पे हमें सी ऑल पे टच कर लेना है। और यहाँ पे हमें मोस्ट रिसेंट पे टच करके ऑल पे टच कर लेना है। तो अब हमें यूट्यूब पे टच करना है। अब हमें इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग्स में टच कर लेना है। यहाँ पे हमें अबाउट पे टच करना है। यहाँ पे हमें यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस में टच करके ब्राउज़र खोल लेना है। तो हमारा ब्राउज़र खुल चुका है। अब हमें यहाँ पे डाउनलोड करना है गूगल अकाउंट मैनेजर 6.01 और क्विक शॉर्टकट मेकर 2.40। तो चलिए डाउनलोड करते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। गूगल अकाउंट मैनेजर हमारा डाउनलोड हो चुका है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, और नहीं तो आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए पूरा वीडियो देख ले और वीडियो अच्छा लगने से ज़रूर लाइक करें। तो अब हमें डाउनलोड करना है क्विक शॉर्टकट मेकर को। तो चलिए फटाफट क्विक शॉर्टकट मेकर को डाउनलोड करते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। क्विक शॉर्टकट मेकर भी डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप कीजिए गूगल अकाउंट मैनेजर। गूगल अकाउंट मैनेजर आ चुका है। यहाँ पे हमें सर्च करना है टाइप योर ईमेल एंड पासवर्ड। तो ट्राई कर लीजिए यहाँ पे और 3 डॉट पे ब्राउज एंड साइन इन कर लीजिए। तो अब हम यहाँ पे कोई भी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए लॉगिन करते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। हम साइन इन हो चुके हैं। अब हमें फ़ोन को करना है रिस्टार्ट। तो फ़ोन को रिस्टार्ट करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। फ़ोन को हम सेटअप कर लेते हैं।
कंप्लीट ऑन हो चुका है, तो चलिए आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पे हमें सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे हमें अबाउट फोन में जाना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे जाना है। यहाँ पे हमें बिल्ड नंबर पे 7 times टच करके डेवलपर ऑप्शन को चालू कर लेना है। अब हमें जाना है डेवलपर ऑप्शन में, डेवलपर ऑप्शन में जाके हमें OEM को एनेबल कर लेना है। चलिए एनेबल कर लेते टर्न ऑन। तो अब हमें जाना है जनरल मेनू में, OEM एनेबल हो चुका है, तो जनरल मेनू को खोल के हमें यहाँ पे रिसेट पे टच करना है और यहाँ पे हमें फैक्ट्री डाटा रिसेट पे टच करके डिलीट कॉल कर लेना है। तो चलिए कंप्लीट करके देख लेते हैं कि हमारा सेट हो हुआ है।